नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्र जनों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। 23 मार्च को राहु और केतु राशि बदल रहे हैं। राहु कर्क राशि से चले जाएंगे मिथुन की तरफ और केतु मकर से आ जाएंगे धनु की तरफ। तो राहु केतु का ये गोचर परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए क्या फल दे सकता है, उस पे एक नजर मारने की या दृष्टि डालने की हम कोशिश करेंगे। दोनों का फल एक साथ ही मैं बताऊंगा आपको, और ट्रांजिट में आप समझ लीजिए ये गोचर फल सिर्फ राहु और केतु का गोचर फल होगा, बाकी के सात ग्रहों का गोचर फल इसमें नहीं होगा। इसलिए जो भी फलादेश है वो एकदम फाइनल नहीं होगा। ये सिर्फ राहु केतु का क्या प्रभाव मेष राशि के जातकों पे पड़ेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। राहु तृतीय भाव में जनरली साहस की वृद्धि देता है जातक को और शुभ फलदायी कहलाता है तृतीय भाव में राहु, क्योंकि त्रिषडाय भावों में 3, 6, 11 में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। ये वैदिक का रूल है या ज्योतिष का रूल है। और केतु नवम भाव में शुभ फल लगभग नहीं करता। नवम भाव का केतु वैदिक ज्योतिष के अनुसार पाप वृद्धि करता है। जातक धार्मिक विचारों से कटता है, धर्म के खिलाफ हो जाता है, धर्म के मामले में अपना मार्गदर्शक चुनने के मामले में दिशाहीनता का शिकार हो जाता है। ये उनके लिए शॉकिंग न्यूज हो सकती है जो केतु को मोक्ष का कारक समझते हैं। तो सोच सकते हैं धार्मिक भाव में, धर्म भाव में, नवम भाव में केतु कैसे बुरा फल दे सकता है। और राहु तीसरे भाव में बल वृद्धि, साहस वृद्धि, शुभ फल, धन लाभ इत्यादि का योग बनाता है। यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह भी है कि राहु केतु दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, दोनों का फल अलग अलग होता है, तो फिर कैसे इसे हम कंसिडर करें कि किसका फल जातक भोगेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, आपकी दशा अंतरदशा पे निर्भर करता है। अगर आपकी राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा चल रही है तो आपको राहु के फल तीव्रता से मिलेंगे, और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो केतु के फल आपको तीव्रता से मिलेंगे। ये याद रखने वाली और सीखने वाली बात है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैं नक्षत्रों के माध्यम से फलादेश को और नैरो पॉइंट पे लेके आता हूं, तो राहु का पहले विचार कर लेते हैं। राहु तृतीय भाव में चूंकि उल्टा चलते हैं, तो जैसे सभी ग्रहों की डिग्री 0 डिग्री से शुरू होती है, तो राहु की डिग्री 29 डिग्री 59 कला से शुरू होती है। तो उल्टा चलते हुए पहले राहु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, और राहु का ये प्राथमिक बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर आपको किसी अचानक रोड एक्सीडेंट के सम्मुखीन ला सकता है। थोड़ा सा भाग्यहीनता का शिकार आप हो सकते हैं। वाहन आपको सावधानी से सलाह दी जाती है राहु के गोचर की शुरुआत में ही। उसके बाद राहुदेव अपने ही नक्षत्र में होंगे, आर्द्रा नक्षत्र में यानी। तो आर्द्रा नक्षत्र में राहु का विचरण साहस में वृद्धि और कहीं ना कहीं दुस्साहस में वृद्धि का योग बनाता है। मंगल के नक्षत्र में राहु का विचरण धनदायी स्थिति पैदा करेगा, पुराना पैसा मिलेगा आपको फंसा हुआ। लेकिन मंगल के नक्षत्र में विचरण भी वाहन सावधानी से चलाने की सलाह आपको दी जाती है। तो अमूमन राहु का फल यही मिलना है आपको। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। केतु के फल पे आते हैं। केतु मकर राशि से जैसे ही धनु में आएंगे तो निश्चित तौर पे सूर्य के नक्षत्र में केतु होंगे शुरुआत में। तो केतु का सूर्य के नक्षत्र में विचरण प्रेम संबंधों में समस्या में डाल सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता में डाल सकता है, खर्च की अधिकता से परेशानी आपको हो सकती है। केतु का शुक्र के नक्षत्र में विचरण धन लाभ, व्यवसाय में लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, परिवार में उत्सव, परिवार के साथ अच्छा संबंध, बैंकिंग से रिलेटेड कामों में इंटरेस्ट या सफलता का इंडिकेशन करता है।
अंत में केतु अपने ही नक्षत्र में होंगे, वृश्चिक राशि में जाने के पहले। तो केतु का अपने ही नक्षत्र में विचरण आपको धर्महीनता का शिकार बना सकता है। मैं यहां एक बात फिर दोहराना चाहूंगा कि राहु और केतु का फलादेश जो बहुत टफ फलादेश होता है, बहुत से जो बचते हैं इस पे कुछ भी बोलने या फलादेश करने में, और बहुत ही टफ और क्रिटिकल फलादेश होता भी है। तो मैं जो बता रहा हूं अपने जो लिमिट है मेरी ज्ञान की उस पे बता रहा हूं, और ये फलादेश जो है चंद्र राशि पे आधारित है, ये भी ध्यान रखें आप, लग्न राशि से नहीं है। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र राशि से आधारित फलादेश ये है। तो राहु केतु का ये गोचर आपको इसी तरह का मिला जुला फल देगा। हिसाब से देखें तो केतु ज्यादा लाभजनक स्थिति बना रहा है आपके लिए, राहु उतनी ज्यादा लाभजनक स्थिति नहीं बना रहा। राहु दुस्साहस में परिणित करेगा आपके कर्मों को, आपकी हरकतों को, जिसकी वजह से आपको किसी न किसी समस्या के सम्मुखीन भी हो सकते हैं आप। तो राहु की वजह से जो दुस्साहस होना है, मैं एकदम स्पेसिफिक आपको बता देता हूं कि वाहन चलाते वक्त दुस्साहस निर्णय नहीं करना है, दुस्साहस नहीं दिखाना है, स्पीड नहीं बढ़ानी है, गति नहीं बढ़ानी है, क्यों आगे बढ़ गया, मैं उसको क्रॉस करूंगा, आज तो मैं इतने मिनट में वहां पहुंचूंगा, ये चीजें मेष राशि के जातकों ने इस साल नहीं करनी है राहु के मिथुन राशि में गोचर के दौरान, खास करके बृहस्पति के नक्षत्र में जब तक राहु देव गोचर करेंगे, और आखिर में जब मंगल के नक्षत्र में होंगे तब ये सावधानी आपने रखनी है। तो इजाजत दीजिए, वृष राशि का फल लेकर मैं मिलता हूं जल्द ही आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।